देने का भी तरीका होता है रिएक्शन वाले बोलते हैं कि जी हम कितना मेहनत करते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए तो इन लोगों को क्या पता है इनको तो सिर्फ शादी करना आता है और क्या कहते हैं सिर्फ बातें करना आता है बाकी तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो सही बात है भाई हमें शादी करना आता है हम लोगों का खानदान इतना गंदा है सारा कुछ ऐसा डाइट बहुत सारा कुछ ठीक है तो इस बात को ना मैं अगर लगाम इसकी लगाम इसको नहीं देगा किसी जबी जा रही है इसको लगाम ये देनी थी कि ये बोल रही थी कि सितारा के रहे हैं हम लोग तो ये लोग समझते हैं हमारे सोच रहे हैं तो तुम्हें कौन समझ रहे समझा दो टके की तुम तो आए आठ जमा जमा आठ दिन तो में नहीं हुए और तुम्हारे पर बकवास करती है ठीक है अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जी जो डी डी दल्ला है ना बेशरम घटिया इंसान है जो दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान होते हैं ना वो इसी तरह से होते हैं जो औरतों के ऊपर भोंकते हैं उनको कुत्ती बोलते हैं कमीनी बोलते हैं दो टके की बोलते हैं क्योंकि इनकी माएँ हैं ना जो वो दो टके की थी क्योंकि लोग जैसे देख देख के बड़े हुए हैं ना अब ये अपनी माँ को देख देख के बड़ा हुआ है तो इसको अच्छे से पता है कि इसकी माँ दो टके की है पता नहीं कितनी शादियाँ कितने अफेयर की है तो इसको लगता है कि दुनिया की सारी औरतें दो टके की है जैसे कि इसकी बीवियाँ है वो दो दो टके की थी देख लो कितनी कितनी शादियाँ हुई हुई है इसकी बीवियों की किस किस के साथ में अफ़ेयर कितने सारे ज़ाया करना इसको छोड़ उसको पकड़ उसको छोड़ इसको पकड़ तो इसको लगता है कि दुनिया की सारी औरतें दो टके की है काश इसकी माँ भगोड़ी भागने की बजाय बच्चों की थोड़ी सी तरबियत कर देती ना तो इसकी है ना ऐसी जबान ना चलती औरतों के ऊपर बाकी इसको शर्म नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि इसके बच्चों को कोई बोलेगा तो इसको बुरा लगेगा इसको एहसास होगा ना ये तो खुद ही अपने बच्चों का नहीं हुआ तो इसको क्या एहसास होगा जब इसके बच्चे बीमार थे तो ये बोल रहा था तो क्या करूँ मैं डॉक्टर हूँ हाँ मेरे जाने से लोग अच्छे हो जाएंगे दुनिया में सब बीमार होते हैं तो ऐसे आदमी को क्या एहसास होगा और क्या इसको शर्म आएंगी क्या खुदा का खौफ आएगा जो अपनी खुद की औलाद का नहीं है अपनी सगी बेटियों का बेटी का एक ही है इसकी जो अपनी सगी एक बेटी का नहीं हुआ जो अपने बेटे का नहीं हुआ जो बीबी भगोड़ी भाग के दूसरे का निकाह छोड़ के दूसरे से निकाह तोड़ के इसके साथ भगोड़ी भाग के आई ये उसका नहीं हुआ तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये दुनिया में किसी भी औरत का हो सकता है मैंने आप लोगों को दो चार दिन पहले अपनी लाइव में बताई थी ना कि ऐसे आदमी क्या कहलाते हैं ऐसे आदमियों की तरबियत क्या होती है ऐसे आदमी की माएँ कैसी होती है और ऐसे आदमी किसी के नहीं हो सकते जब ये अपनी सगी माँ की भगोड़ेपन की कहानी सुना सकता है अपनी बहन के अफेयर बता सकता है अपनी बीवी के अफेयर बता सकता है और एक पाँच शादी वाली औरत से शादी करके उसके साथ में आ, बैठ सकता है ये उसको लेके जिसको अपने बच्चे की बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है जो अपनी बेटी को छोड़ के आके मस्त रही है गली गली घूमते रहती है ऐसी औरत का जब ये आ, मतलब कि ऐसी औरत के आ, ये नहीं हो पाएगा तो आप लोगों को लगता है ये किसी भी औरत की इज़्ज़त कर सकता है नहीं ऐसे आदमी किसी की इज्जत नहीं कर सकते बाकी इसको ये बोला गया है कि हम अगर सितारा के सपोर्टर है तो तू ये मत समझ के हम तेरे भी सपोर्टर हैं तो ये उसको बोल रहा है कि तू हमें जवाब देंगी तो दो टके की कुतिया हमें जवाब देंगी जुमा जुमा आठ दिन हुए तुझे आए तू हमें जवाब देंगी क्यों भाई तू बहुत बड़ा तीस मार खान है हाँ तू कौन है ये बता पहले पिटारा तो तुझे डिसऑन कर चुकी है आके तेरी बीवी की सिंपत्ति दिखा के उसने तुझे खुद को डिसऑन कर चुकी है जो तू इतना भौंका था सितारा के लिए तूने तो उससे दस गुना ज़्यादा घटिया और गंदा काम किया घोंचू से भी ज़्यादा हाँ तो तू तो कहीं पे भी वैसे भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा तू तो डर के मारे अपना कमेंट बॉक्स ऑफ रखता है तू दूसरे को बताएगा कि वो दो टके की है कि वो कौन है और कुतिया बोल रहा है कुतिया तेरी माँ है दिख रहा है सबको एक जवान पट्ठे के साथ में रह रही है तो कुतिया कौन है वो तो दिख रहा है हमें कुतिया तेरी बीवियाँ है जो आ, आत्मा है वो देख रही है कि तूने इसको धोखा दे दिया फिर भी तेरे को चाट रही है वो ठीक है और जो पाँच छट्टा तू है जो वो अपनी बेटी को छोड़ के तेरे पीछे पीछे घूम रही है तो कुतिया है कौन है वो हमें नज़र आ रहा है तो थोड़ा है ना जबान को ना लगाम दे क्योंकि तेरे तो ते ज़्यादा घटिया आदमी नहीं है मुझे समझ नहीं आता है कि इसको लोग क्यों देखते हैं इसको लोग देखते क्यों है क्यों इसके डॉलर बना रहे हैं जो ये हराम का खा रहा है बैठ के ना काम करते है ना मेहनत करते हैं तुम लोगों की वजह से इनके घर चल रहे हैं इनकी अयाशियाँ हो रही है ददत शादियाँ कर रहे है और तुम लोग के ऊपर ये बैठ के भोंक रहा है तो तुम लोगों को चाहिए कि इसको बाइकआउट करो इसको देखो ही मत बिल्कुल भी मत देखो इतना कोई ये घटिया इंसान है औरतों के ऊपर इतनी जबान चलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है और तू तो वैसे भी पिटारा का सपोर्टर रहा नहीं है तो तू किसी हिसाब से बोल रहा है कि जुम्मा जुम्मा आठ दिन हुए तुम लोगों की खुद की औकात पता है क्या है गटर के कीड़े हो तुम लोग बस यही तुम लोगों की औकात है गंद करते हो और व्यूज़ खाते हो लकदी लानात है तुम लोगों के ऊपर अच्छा ये आदमी ने इतना गंदा बोला है कि तुम्हारी गर्मी नहीं निकल रही है आओ तुम्हारी गर्मी निकाल दूँ और ऐसी सब लैंग्वेज ये होटल में बैठ के रिएक्शन दे रहा है और ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वहाँ पे होटल में क्या कोई नहीं सुन रहा और छमिया तुझे शर्म नहीं आ रही है कैमरा पकड़ के तू बैठी है आराम से इसी तरह से फ़ातिमा कैमरा पकड़ के बैठी थी जब ये औरतों के ऊपर भोंकता था तो और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है तू भी कैमरा पकड़ के बैठी है देखी नहीं तूने के इसने फ़ातिमा के साथ ने क्या किया इंशाल्लाह तेरे को तो ही ना ऊपर पहुँचा है मैं तो बोलती हूँ तभी तेरे को ना पता चलेगा कि ये आदमी कितना घटिया है और जो तू कैमरा पकड़ के दूसरे की औरतों को बोलने लगा रही है ना तू उसको टोक नहीं रही है मना नहीं कर रही है ना तो देखना तेरा भी क्या हाल होगा क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है बाकी रही बात गर्मी की तो गर्मी तेरी बीवियों को बहुत ज़्यादा है और तो तेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा गर्मी है जो कि दिख रहा है भाई हमें वाइटी पे नज़र आ रहा है तेरी माँ को देख ले पहले वो खसामा के साथ में लगी हुई थी फिर बाद में अभी वो एक जवान आदमी के साथ में जाके रह रही है जो तेरी उम्र का लगता है तो गर्मी किसके अंदर है वो हमें नज़र आता है और तेरे अंदर कितनी गर्मी है वो भी हमें नज़र आता है और तू बोल रहा है ना के औरतों के ऊपर मैं बात नहीं करूँ औरतें मेरे ऊपर ये बात करती है वो करती है हाँ आप लोग इंसाफ रस नहीं हो आप लोग बोलते हो कि मैं औरतों पे फिर बात करता हूँ तो कोई भी इज्जतदार आदमी है ना कभी भी औरतों पे बात नहीं करेगा लेकिन हाँ इज्ज़तदार आदमी तेरे ऐसा घटिया और गंदा आदमी नहीं इज्जतदार आदमी कभी भी औरतों पे बात नहीं करेगा हाँ जो आदमी अपनी खुद की माँ पे बहन पे बीवियों पे बच्चों पे बात करता है ना तो वो गैर औरतों को भी कुछ नहीं समझेगा जो कि तू है घटिया गलीच इंसान रही बात के तू हर बार हर औरत को बोलता है कि गर्मी निकाल दूँ गर्मी निकाल दूँ अल्लाह करे तो कोई एच हो और तू है ना कुत्ते की मौत मरे ये जो तू बातें करता है ना तो एक काम कर तेरी बीवियों को और तेरी माँ को तेरी बहन को इनको तू जो बेच बेच के आता है ना बेचता है ना इनको तो इनको तू बता दे तो इनकी गर्मियाँ निकालने के लिए हम लोग अरेंज कर देते हैं रिएक्शन वाले मिल के बड़ा तेरे को शौक है गर्मी निकालने का मेरा तो दिल हो रहा है तो कोई ऐसी ऐसी गालियाँ दूँ लेकिन वीडियो में नहीं देती हूँ पता है ना मैं वीडियो में नहीं देती हूँ बाकी एक काम करना ना तेरे घर में जितनी औरतें हैं ना उन सब की गर्मियाँ हैं ना तू अकेले बैठ के निकाल ले चाहे फिर वो तेरी माँ हो बहन हो बेटी हो बीवी हो तेरे रिश्तेदार हो और ये बता कि पिटारा की गर्मी कितनी बार निकाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी तो उसके अंदर है तो ये भी तू आज नहीं तो कल आके ज़रूर बताएंगा ना कि पिटारा की गर्मी तूने कितनी बार निकाला है डूब के ना मर जाना चाहिए मैं बोलती हूँ वो सपोर्टरों को भी जो इसको भाई भाई बोलते थे और इसकी रिश्तेदार है पिटारा जो इसका मुंह बंद करवा सकती है लेकिन वो नहीं करवाती है और तुम लोग बैठ के उस पिटारा को सपोर्ट करते हो तुम लोगों के ऊपर भी लानत बाकी मैं यहाँ पे नैना की रुबीना की फ़ातिमा की छमिया की सब की गलती मानूंगी कि देखो जब घर में रा बात आती है ना रखने की बात आती है तो नैना बोलती है कि मेरे दरवाजे पे आ गए थे मेरा भाई है तो मैं भगा नहीं सकती हूँ तो जब तुम्हारा भाई है तू जब वो चीज़ में सपोर्ट कर सकती है ना तो इस चीज़ के लिए भी तू रोक सकती है तू ये नहीं बोल सकती है कि वो मेरी सुनता नहीं है ठीक है और चुबीना चुबीना के लिए भी यही बोलना चाहूँगी कि जब तू उसकी शादी में जाके शॉपिंग करवा के शादी करवा सकती है ना तो इसको इसके जो गले में हलक में जो जबान है ना वो खींच के तू इसके गले से भी लपेट सकती है लेकिन तू क्या बोलेंगी कि वो मेरी सुनता नहीं है रही बात फ़ातमा की वो बोलेंगी कि ये तो मेरे पे जुलुम करता है मेरी सुनता नहीं है पैसे तो तू बराबर निकलवा लेती है इससे हाँ जब भी तुझे कोई चीज़ की जलन होती है तू रिएक्शन दे के अपना काम बराबर निकलवा लेती है लेकिन कोई औरत के ऊपर ये कुत्ते की जात का भौंक रहा है तो तू इसको चुप नहीं करवा सकती रही बात छमिया की तेरा तो मक्का फातः हमल अभी होना बाकी है जिस तरह से तू कैमरा पकड़ के बैठी है और वो भौंक रहा है कुतिया कुतिया बोल रहा है और बोल रहा है कि तेरा आदमी तुझे रात को ठंडा कर सकता है रमज़ान है तो क्या हुआ रात में ठंडा हो जाना रात में उसको बोल वो तुझे ठंडा करे और अगर नहीं कर सकता है तो मुझे बोल आता हूं, मैं आता हूँ मैं आके तुझे सही से ठंडा कर देता हूँ अपना एड्रेस दे मैं तेरे घर पे आके तुझे ठंडा करूँगा तो एक काम कर अपनी बहन को ठंडा कर अपनी बेटी बेटियों को ठंडा कर तू और अपनी माँ को क्यों नहीं ठंडा किया तूने काश तू तो तेरी माँ को ठंडा करता है ना तो तेरी माँ अभी जाके वो आदमी के साथ में रंगरीलियाँ ना मना रही होती तो पहले अपनी माँ को बेटी को बीवी को और अपनी बहन को ठंडा कर बाद में दूसरे की बात करना और तेरे को ना शर्म आनी चाहिए डूब के मर जा मर जा डूब के तू तो किसी औरत के लिए हर बार तू औरतों के लिए ऐसी ही बात करता है तेरे को डूब के मर जाना चाहिए और तेरी बीवी को दे दे हम लोग ठंडा करवा देते जरा है ना तमीज़ के दायरे में रह के बात किया कर अपनी औकात में रहे समझ गया छिचोरे आदमी गलीच कहीं के अच्छा यहाँ पे देखो बात है ना ये नहीं आती है कि हेटर को उसने बोला सपोर्टर को बोला वो बात नहीं आती है यहाँ पे एक ही औरत को बोल रहा है ठीक है और ये ऐसा नहीं है खाली इसको बोला है इसने बहुत सारी औरतों को बोला है यहाँ तक के इसने मेरे लिए भी ऐसी वीडियो बनाया था ठीक है तो जब भी औरतों के लिए इतनी गलीज बात करे ना तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो हेटर के लिए कर रहा है कि सपोर्टर के लिए एक बोलते हैं ना इंसानियत की नातिर एक औरत होने के नाती रहना खड़े रहना चाहिए एक साथ सबको और इसकी जो जबान है ना वो खींच के इसके गले में लपेटना चाहिए और इसको इसकी औकात बताना चाहिए कि तू तो खुद कितना घटिया और गिरा हुआ ख... एक तो तू ख़ानदान से है घर से दूसरा तू खुद कितना घटिया है तेरा बाप कितना घटिया है वो सब चीज़ें इनको याद दिला के इनको बाइकआउट करो क्यों नहीं करते हो बाइकआउट इनको देखना बंद करो इनके चैनलों को रिपोर्ट मारो जो औरतों के लिए ऐसी बात करे ना इनके चैनलों को जाके रिपोर्ट मारो इनको देखना बिल्कुल बंद करो व्यूज़ देना बंद करो जो लोग व्यूज़ देते हैं ना मुझे लगता है वो औरतें भी इसी किस्म की है और वो आदमी भी इसी किस्म के है जो इस घटिया आदमी के डॉलर बनाते हैं इनको व्यूज़ दे के तू तो जो बार बार कह रहा है कि दो टके की औरत तुझे सपोर्टर कौन मारता है और जो तू चूड़ियाँ दिखा रही है तो तेरा हस्बैंड चूड़ियाँ पहनता है तभी उससे कुछ होता नहीं है तो मैंने चूड़ियाँ नहीं पहना हुआ हूँ तो मैं आके तुझे सही से ठंडा कर सकता हूँ सही से सेट कर सकता हूँ कितनी अच्छी तरबियत दी है ना तेरी माँ ने मेरे को लगता है तेरी माँ की भी चूड़ियाँ तूने रात को जाके ज़रूर तोड़ा आएगा नहीं दोनों हाथ पकड़ के चूड़ियाँ तोड़ के उसको मस्त रोमांटिक फ़ील करवाया होगा माँ के साथ साथ क्या बहन को भी करवाया है तूने कितना बेशरम और घटिया आदमी है पहली बात तो तू तो ये बता कि तेरे को कौन सपोटर मान रहा है तेरे को तो पिटारा खुद सपोर्टर नहीं मानती है क्योंकि चूड़ियाँ तो तूने पिटारा की भी हालांकि बहुत तोड़ा है लेकिन फिर भी वो तुझे सपोर्टर नहीं मानती है हाँ लानती कहीं के चरम मारी है तेरे को ये बोलने के लिए तेरी बेटियों की भी चूड़ियाँ तोड़ेगा ना इंतज़ार कर रहा है ना कब वो इतनी बड़ी होए जो तू जाके उनकी चूड़ियाँ तोड़े बुरा लग रहा है कि नहीं 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 लग रहा होगा तुझे क्योंकि तूने तो खुद अपनी बेटियों की इतनी हालत किया है कि आज मरेंगी तो वो भी तुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना तो घटिया इंसान है इनको रोता भी लगता बीमार छोड़ के तू छमियाँ के पीछे कुत्ते की तरह दू मिलाते फिर रहा है तेरे ऐसे आदमी को कहाँ फ़र्क पड़ेगा कि तेरी बेटियों के लिए कोई कुछ बोले या तेरी बेटियों के साथ में कुछ बुरा होए तेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि तरस आता है तेरी बेटियों के ऊपर कितनी बदनसीब है वो बच्चियाँ जिस जिनको तेरे ऐसा घटिया बाप मिला है कितनी अच्छी तुम लोग मेमोरी बना रहे हो ना कल तेरी बेटियां बड़ी हो ये देखेंगी कितना खुश होंगी ना कि हमारा बाप किसी औरतों के लिए कोई और गैर औरत के लिए कितनी अच्छी जबान यूज़ कर रहा है और ये छवियाँ प्रेग्नेंट है ना कितना अच्छा अच्छा सुन रही है ना बच्चा कितना नेक और कितना अच्छा बच्चा पैदा होएगा नहीं छवियाँ देख ले अगर एक और डीडी पैदा हो गया तो तेरी ना चूड़ियाँ तोड़ दे वो डीडी पैदा होने के बाद में बड़ा हो तो बहुत अच्छी तरबियत दे रही है तो वो अपने होने वाले बच्चे को और रही बात इसकी इसको तो अल्लाह बताएंगा जितना ये जलीलो खुआार हुआ है ना आगे भी होगा और रही बात के चूड़ियाँ तोड़ने की तो चूड़ियाँ तो तेरी माँ की तोड़ रहा है वो ज़रा देख के शर्म उरम आती है कि नहीं कि तेरी माँ कैसे अपनी चूड़ियाँ तोड़वा रही है लानती गलीच आदमी बाकी जो चूड़ियाँ पहनने वाले आदमी होते हैं ना जैसे कि वो जो ताली बजाते हैं उनको भी तेरे से तू कंपेयर मत कर वो भी बहुत इज्जतदार होते हैं वो भीख मांग के खाते हैं वो दूसरों के आगे हाथ फैला के खाते हैं तेरी तरह अपनी ही बीवियों को दो दो टके में बेच के नहीं खाते जैसे तू अपनी तीनों बीवियों को दो दो टके में बेचा है और ना काम करता है ना मेहनत करता है बैठ के खा रहा है और तू बोल रहा है कि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहना हुआ हूँ तू सबसे बड़ा बायला है वाइटी का दो बायले है एक तू और एक मैंने इंस्टाग्राम पे वॉइस लगाई हूँ वो ये दो बाइले है ना वाइटी के सबसे बड़े बायले है तुम लोगों को तो ना डूब के मर जाना चाहिए मनुष्य कहीं के बाकी कोई को मिर्ची नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसकी माँ के ऊपर क्यों बात कर दी मैंने इसकी बच्चियों के ऊपर क्यों बात कर दी क्योंकि इस वीडियो में ये जो भी औरत के ऊपर रिएक्शन दे रहा है ये उसकी बच्ची के लिए भी बहुत गंदा बोला है कि तेरी बच्ची रात को लेट आई थी तो कहाँ गई हुई थी ऐसे ही तू पैसे कमा के खा रही है तुम लोग रिएक्शन दे के खा रहे हो हमारा तो खुद का अच्छा कंटेंट है <laughs> कितना अच्छा कंटेंट है ना शादी पे शादी शादी पे शादी, पे शादी करना अपने बच्चों को नज़रअंदाज करना उनको मरने के लिए छोड़ देना खुद अयाशी करना नवी नवी औरतें लाना उनको ले लेके फिरना फिर उनको टैक्सीयों की तरह बेचना ये तेरा कॉन्टेंट है तो बोलता है कि चलो हम जा रहे वीडियो बनाने ब्लॉग बनाने के लिए हर रोज़ बाहर भटकने के लिए तुम लोग आवारा और बच्चलन की तरह निकल जाते हो और तुम्हारा कंटेंट बड़ा अच्छा है लाना था तुम्हारे कंटेंट के ऊपर और जो तू उसको बोल रहे है ना कि तुम लोगों का क्या कॉन्टेंट है बैठ के रिएक्शन देते हो और कमा रहे हो तो कम से कम तेरी तरह अपनी बीवियों को हस्बैंड को और बच्चों को नहीं बेच रहे जैसे तू अपनी बच्चियों को कैश करवाया है अपनी बीवियों को कैश करवाया है इस छमिया को तूने कैश करवाया है उस तरह से ना वाई टी पे कोई भी रिएक्शन वाला बैठ के ना अपनी औलादों को कैश नहीं करवा रहा तो डूब के तो तेरे को मर जाना चाहिए और तू एक काम कर चूड़ियाँ ना तो सच में पहन ले क्योंकि तू बायला है घर में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ तू बकवास कर सकता है और तेरा खुद का क्या कंटेंट है जिस दिन तेरे कंटेंट के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी वाला थंबनेल टाइटल नहीं रहता उस दिन तो कुत्ता भी नहीं आता टांग उठाने तेरी वीडियो के ऊपर असल बाप की औलाद है ना तो एक काम कर एकदम नॉर्मल सा कंटेंट बना और फिर नॉर्मल सा है ना टाइटल थंबनेल डाल एक महीना तल के फिर देखेंगे कि तेको कितने व्यूज़ आते घटिया इंसान बाकी ये खुद अपनी वीडियो में इतनी गंदी गाली दे रहा है बहन के ऊपर से गाली दे रहा है और बोल रहा है कि तुम लोगों को हम लोग हड्डियाँ डालते हैं तो तुम्हारा घर चलता है इतना तप्पड़ है तो सितारा का नाम यूज़ करना बंद कर दो तो तू तो खुद सितारा के नाम पे भीख मांगता है और तू क्या बोल रहा है कि मैं पैसे भेज देता हूँ ईद आ रही है तो मैं तुम्हारी ईद करवा देता हूँ अरे तू तो खुद ही बिखा रही है तूने तो पैसे की वजह से ये छमियाँ को फंसाया इसके हस्बैंड की तूने टिकट ऊपर कटवाया तुमने उसको जान से मरवाया पैसे के तुम लोग इतने भूखे हो अपनी अपनी बीवियों को बेचते हो तू उसकी बेटी के ऊपर बात कर रहा है यहाँ पे मेरा सवाल है ना पिटारा से बनता है उसके सपोर्टरों से बनता है कि ये उसका दल्ला है आप लोगों को पता ही है ये उसके घर पे अभी लास्ट टाइम भी जाने वाला था उसकी माँ से मिलने वो तो पिटारा ने फिर टाइम पे जब देखी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है तो उसने आने नहीं दी इसको बाकी ये इतनी बकवास कर रहा है तो इसके सपोर्टरों का बनता है के जाके पिटारा को बोले और इसको डिसऑन करवाए इसका मुंह तोड़े इसका चैनल बंद करवाए तुम लोग बैठ के पिटारा को सपोर्ट कर रहे हो और ये तुम्हारी उतार रहा है तुम्हारी बेटी की उतार रहा है तुम्हारे हस्बैंड को ये चूड़ियाँ पहनने दल्ला ये वो बोल रहा है बहन के ऊपर से हस्बैंड के ऊपर से गालियाँ दे रहा है और तुम लोग बैठ के वो गलीची औरत को सपोर्ट कर रहे हो जो झूला झुलती है तुम लोगों को उसका रिश्तेदार उसका यार गाली दे रहा है और तुम लोग बैठ के उसको सपोर्ट करते हो और वो क्या सपोर्ट करती है झूला झूलती है तो तुम लोगों को है ना चाहिए कि तुम लोग को मिल के आवाज़ उठाना चाहिए और इसको है ना इसकी औकात दिखाना चाहिए बाकी तू खुद इतना बड़ा भिखारी है तू थोड़े दिन पहले भीख मांग रहा था कि रमजान है मुझे राशन देने हैं तो मुझे भीख दे दो दूसरों को क्या तू भिखारी बोल रहे तू क्या पैसे देगा किसी को तू खुद भिखारी है तू कभी बाढ़ आ गई है नाम से भीख मांगता है तो तू कभी राशन के नाम से मांगता है कभी अपने ही बच्चे की पढ़ाई के नाम से मांगता है जबकि ज़रूरत तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है सबको पता है तुम लोगों के पास में बहुत पैसे हैं तो तुम लोग खुद भीख मांगते हो दूसरों को तो क्या भीख देंगे तेरी औकात है भीख देने की भिखारी कहीं का तुम्हारा तो पूरा के पूरा खानदान भिखारी है खाली एक दो को छोड़ के पूरा के पूरा टब्बर तुम लोगों का भिखारी है और लालची है और गिरे हुए घटिया लोग है तुम लोग बच्चलन लोग बाकी मुझे इसकी ये बात पे बहुत हंसी आई इसने बोला कि तेरा हस्बैंड चूड़िया पहन के बैठा हुआ है कमाई तुझसे करवाता है वो घर बैठा हुआ है तो तू क्या कर रहा है हाँ तेरी जो इंसाफ़ बीबी है वो भीख मांग रही है तू उससे कमाई नहीं करवा रहा कि जा रो और भीख मांग ताकि लोग तुझे फ़ंड दे फिर अपन दोनों मिल के अयाशी करेंगे तू कौन से काम धंधे पे जाता है तू जो बोल रहा है कि तू हस्बैंड को घर में बिठा के उससे कमाई करवाता है तेरा हस्बैंड तो तू क्या कर रहा है तू कौन से काम पे जाता है कौन सी मेहनत करता है चूड़ियाँ पहन के तो तुम लोग बैठे हुए हो तीन साल से दूसरों को बोल रहे हो पता है कि इसका हस्बैंड के बारे में जो तू बात कर रहा है ना कि वो नहीं आता आगे क्यों नहीं आता क्योंकि वो हो सकता है काम धंधे वाला हो है ना मेहनत करने के लिए बाहर जाता हो अब सभी तुम लोगों की तरह तो घर में नहीं बैठे रहते हैं ना मांसीओं की तरह काम वालियों की तरह अपनी अपनी औरतों को तुम लोगों ने काम पर लगाए हुए है तेरी औरत खुद अकेली जाती है बच्चे को लेने छोड़ने फिर पता नहीं किस किस के साथ में मुंह मारती है इंस्टाग्राम पे तब जाके तेरे घर में पैसे आते हैं फिर भी वो रो के तेरे से भी पैसा लेती है तो पैसे कौन औरत से कमाने लगा रहा है ना वो दिख रहा है हमें इनके ख़ानदान में कौन आदमी है बताओ जो काम धंधे पे जाता हो जो मेहनत करता हो कोई भी नहीं सब के सब भाइले घर में बैठे है कैमरे उठा उठा के बकवास करते हैं तो उसको बोल रहा है कि तू दरदस रिएक्शन डालती है मेरे को ये बता कि तू तो इतनी गालियाँ खा के भी तू ब्लॉगिंग से नहीं हटा इतना लालची तो तू खुद है तेरी खुद की लालचपना तो ख़त्म नहीं हो रहा है और तू बोलता है कि दूसरे जने रिएक्शन डाल डाल के कमा रहे है तू क्या कर रहा है एक व्लॉगिंग की वीडियो डालता है जिसके अंदर कंट्रोवर्सी वाली थंबनेल टाइटल होता है और एक रिएक्शन की वीडियो डालता है तो खुद भी तो वही कर रहा है ना हाँ बल्कि इससे भी ज़्यादा गंदा तू तो इतना घटिया और गिरा हुआ आदमी है अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे लक दी लानत है तेरे ऊपर और जैसे फातिमा ने भुगती है ना वैसे तेरी औलादे भुगतेंगी और तेरी ये जो बैठी है ना कैमरा लेके छमियाँ ये भी भुगतेंगी क्योंकि यहाँ की करनी ना यहीं पे भरना है तो बहुत जल्दी तुझे तेरी औक़ात पता चल जाएंगी इंशाल्लाह तो इतना सब होने के बाद भी ये नहीं सुधरा भाई और मुझे लगता भी नहीं है कभी सुधरेगा जब तक के इसके डॉलर बन रहे हैं ना ये कितनी भी गंदगी करेगा ना इसको शर्म नहीं आएगी क्योंकि आप लोग जाके जो व्यूज़ देते हो ना इसके वजह से ये लोग कभी भी नहीं रुकेंगे तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफ़